आज शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो स्मार्टफोन तो यूज़ करता हो लेकिन व्हाट्सएप यूज़ ना करता हो। व्हाट्सएप आज हमारी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। लेकिन ये भी सच है फ्रेंड्स कि 90% लोग व्हाट्सएप के सारे फीचर्स के बारे में जानते तक नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मैजिकल ट्रिक्स के बारे में जो आपके व्हाट्सएप एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं हमारे पहले ट्रिक के पास। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम हमारी व्हाट्सएप की सबसे पहली ट्रिक के पास, जिसमें हम स्टेटस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ तीन छोटे छोटे से जो अपर राइट कॉर्नर में जो डॉट है उसे टैप करेंगे। यहाँ हम स्टेटस प्राइवेसी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट और ओनली शेयर विथ। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है माय कॉन्टैक्ट्स, मतलब जब भी आप अपना कोई स्टेटस अपलोड करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आपके स्टेटस को देख पाएंगे। लेकिन यदि मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करता हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं जिन जिन को भी सिलेक्ट करूँगा उनके अलावा सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे स्टेटस को देख पाएंगे। चलिए मैं सेकंड ऑप्शन पर जाता हूँ। यहाँ मैं जिस जिस कॉन्टैक्ट को भी सिलेक्ट करूँगा इनके अलावा मेरा स्टेटस सभी लोग देख पाएंगे। फिलहाल मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ तीसरे ऑप्शन पर। यहाँ मतलब है जिन लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहता हूँ अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मैं उन्हीं को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ इसको चूज़ करने के बाद सिर्फ ये तीन लोग ही मेरे स्टेटस को देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। यदि मैं इसे ओके करता हूँ तो मैं इसे यहाँ टिक करता हूँ और ये जो हमारी सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम हमारे व्हाट्सएप के नेक्स्ट ट्रिक के पास, जिसके थ्रू हम रेसिपिएंट ब्लू टिक्स को भी हाइड कर सकते हैं। बहुत से लोगों की प्रायोरिटी होती है कि वो चाहते हैं कि मैं अगर कोई भी मैसेज यदि मैंने पढ़ा है सामने वाले को पता ना चले, तो हम इस ट्रिक के थ्रू उन ब्लू टिक को भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ अकाउंट में जाएं। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ प्राइवेसी ऑप्शन आता है। प्राइवेसी ऑप्शन को जब आप टैप करते हैं तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँ, जैसे ही देखते हैं आप यहाँ पर आता है रीड रिसीट्स, इसको आप ऑप्शन को अनचेक कर दें। जैसे आप इसे अनचेक करेंगे इसके बाद कोई भी ब्लू टिक को नहीं देख पाएगा, वो ये कन्फर्म नहीं कर पाएगा कि आपने उसे आपने उस मैसेज को पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ में एक ड्रॉबैक यह भी है, किसी के ब्लू टिक आप भी नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक है कस्टम नोटिफिकेशन से रिलेटेड। मीन्स आपको दिन भर में काफ़ी सारे मैसेजेस आते होंगे और जिसमें सभी की एक ही टोन होती होगी और आप काफ़ी परेशान हो जाते होंगे, ओ यार ये तो अननेसेसरी मैसेज था, मुझे बिना बात डिस्टर्ब होना पड़ा। फ्रेंड्स इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं उन सभी टोन को जिसके मैसेज को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या आपको लगता है कि नहीं इन मैसेजेस को मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिस मैसेज को भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं कि नहीं इसके लिए अलग टोन बजे, आप उसे टैप करें। टैप करने के बाद आप यहाँ उसमें यहाँ इस जगह टैप करें। यहाँ करने के बाद में यहाँ सेकंड ऑप्शन आता है कस्टम नोटिफिकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आएगा यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन, आप इसको चेक करें। यह होने के बाद में लिखा आता है कि नोटिफिकेशन टोन, जैसे ही आप यहाँ पर इसको ऑप्शन को ऑन करेंगे यहाँ बहुत सारे टोन्स यहाँ पर आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे अलग से टोन दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, जिस टोन को भी आप देना चाहें इजीली आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें ओके कर सकते हैं। जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन टोन होगी वो इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए अलग हो जाएगी। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने आपको किस वक्त मैसेज किया है सिर्फ टोन से। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक है आपके प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन स्टेटस से रिलेटेड। यदि आप चाहते हैं कि आपके लास्ट सीन स्टेटस को चुनिंदा लोग ही देखें या आपके प्रोफाइल फोटो को चुनिंदा लोग ही देखें, तो उसके लिए आप अपने अपर राइट कॉर्नर में इन तीन डॉट्स को टैप करें। सेटिंग में जाएं, अकाउंट में जाएं, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ प्राइवेसी ऑप्शन में जाएं और यहाँ लास्ट सीन इस ऑप्शन पर जाएं। जब आप यहाँ इस ऑप्शन पे आते हैं तो कोई भी पर्सन आपकी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, लेकिन जब आप इसे माय कॉन्टैक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स ही देख पाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नोबडी कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ना देखे, तो आप इस नोबडी ऑप्शन को आप क्लिक करें। इसके बाद आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है कोई और पर्सन नहीं देख पाएगा। फिलहाल मैं इसे वापस यहाँ एवरीवन कर देता हूँ।
इसी के साथ में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स कि प्रोफाइल फोटो, यदि आप चाहते हैं कि कुछ सिर्फ आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही आपकी प्रोफाइल फोटो देख पाएं, अदरवाइज अनऑथोराइज पर्सन या कोई भी अननोन पर्सन आपके जिसको भी आपने अपने नंबर दिए हैं आपकी प्रोफाइल फोटो ना देखें, तो आप इसे सिर्फ माई कॉन्टैक्ट पर कर दीजिए। इसके बाद आपका प्रोफाइल फोटो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आएगा। फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक में, यदि हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप वीडियोस और फोटोज हमारी गैलरी में शो ना हो, आप अपने फाइल मैनेजर में जाएं, स्टोरेज में यहां आने पर इंटरनल स्टोरेज पर आप क्लिक करें और यहां पर व्हाट्सएप ऑप्शन पर जाएं। जैसे आप व्हाट्सएप ऑप्शन पर जाते हैं यहां पर मीडिया ऑप्शन आता है, मीडिया को आप यहां टैप करें और यहां पर व्हाट्सएप वीडियो है आप इस ऑप्शन को टैप करके रखें और यहां तीन जो डॉट हैं आप इस पर इसे जाकर रीनेम कर दें। रीनेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एक सिंपल सा एक डॉट यहां पर लगाना है। जैसे आप एक डॉट लगाते हैं तो यह रीनेम हो जाएगा और यहां लिखा जाएगा कि जो आपका जो फाइल है वो यहाँ पे हिडन हो चुकी है, अब ये जो फोल्डर है आपको वहाँ पर गैलरी में शो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आप अपने जो फोटोज़ हैं फ्रेंड्स उन्हें भी आप हाइड कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप इमेजेस को यहाँ पर चेक करता हूँ और यहाँ पर इसे रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के लिए फ्रेंड्स मैं सिंपली एक डॉट इसके आगे यहाँ लगा देता हूँ और इसे मैं जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पर रीनेमिंग हो रही है और आप पाएंगे कि इस रीनेमिंग के बाद ऑपरेशन कंप्लीटेड, इसके बाद हमारे सारे जो व्हाट्सएप फोटोज़ हैं वो गैलरी में शो नहीं होंगे और आप अपनी प्राइवेसी को पूरा मेंटेन रख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो हिडन फाइल्स हैं वो वापस यहां पर आ जाएं, तो आप सिंपली एक काम करें, यहां आप सेटिंग में जाएं और यहां शो हिडन फाइल्स, जैसे आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं आप पाएंगे कि आपकी जो व्हाट्सएप इमेज और व्हाट्सएप वीडियो वाला जो फोल्डर वो यहां आ गया है। आप फिर से इसे रीनेम कर सकते हैं और उस डॉट को जो आपने लगाया है आप उसे फिर से हटा दीजिए। सिंपली आप जैसे इसे ओके करेंगे आप पाएंगे कि आपके जो इमेजेस वाले जो है ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, आपके जो फोटोज़ हैं फिर से गैलरी में शो होना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमारी अगली व्हाट्सएप ट्रिक है मीडिया ऑटो डाउनलोड से रिलेटेड। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो मीडियाज़ हैं, जो भी फोटोज़ और वीडियोज़ लोग आपको सेंड कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो और आपका डाटा कम कंज्यूम हो, तो इसके लिए आप इस सेटिंग को करें। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में सेटिंग में जाएं, यहाँ डाटा एंड स्टोरेज यूजेज ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आप जाएं। यहाँ जाने के बाद मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑप्शन में यहाँ पर व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन चेकड आ रहे हैं, इन सभी को अनचेक करें और इसे ओके कर दें। तो जब भी आप मोबाइल डेटा यूज़ करेंगे आपका मीडिया ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक रिलेटेड है हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से रिलेटेड। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी स्टेटस, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटो हो, आपकी गैलरी में सेव हो जाए, तो इस ट्रिक के थ्रू बहुत ईजीली पॉसिबल है। इसके लिए आप अपने स्टेटस में जाएं और जिस भी स्टेटस को आप देखना चाहते हैं आप उसे सिंपली टैप करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेटस है जिनको मैंने यहाँ टैप किया, मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ, एक ये स्टेटस है जो यहाँ आ रहा है, या मैं नेक्स्ट यहाँ पे इस स्टेटस को यहाँ देखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेटस मैं यहाँ देख रहा हूँ ये स्टेटस मुझे मेरी गैलरी में शो हो या ये कहाँ शो होगा आपको देखना है, तो इसके लिए सिंपली आप अपने फाइल मैनेजर में जाएँ, यहाँ स्टोरेज में इंटरनल स्टोरेज पर जाएँ, इसी के साथ यहाँ आप व्हाट्सएप में जाएँ, व्हाट्सएप में जाने के बाद मीडिया में जाएं, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर स्टेटस ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप देखते हैं ये हमारा जो फर्स्ट फोटो था वो यहाँ आ गया है, इसी के साथ जो मैंने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखा था, जो सेकंड स्टेटस देखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यह जो स्टेटस है वो यहाँ आ गया है। अब यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप मूव टू या कॉपी टू या आप इसे सेट एज, जो भी इसे आप यूज़ करना चाहें इसे गैलरी में आप भेज सकते हैं और इसे आप सेव कर सकते हैं आसानी से। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है फ्रेंड्स, आप अपने सारे स्टेटस को सहेज के रख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक रिलेटेड है ग्रुप मैसेजिंग से रिलेटेड। यदि आप ग्रुप में किसी खास मेंबर को इमीडिएट मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक के थ्रू इमीडिएटली किसी भी मेंबर को आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाएं और यहाँ मैसेज ऑप्शन में टाइप करें @। जैसे आप @ टाइप करेंगे ग्रुप के सारे मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी।
आप जिस मेंबर को भी आप मैसेज करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे चूज़ करें, और यहाँ जिसे वो भी मैसेज आप उसे लिखना चाहते हैं आप यह लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर मेंबर को यह मैसेज चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट व्हाट्सएप ट्रिक है सेटिंग वॉलपेपर। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चैट के दौरान पीछे जो वॉलपेपर है, जो बैकग्राउंड है, वो बड़ा कलरफुल हो, इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप में जाएं, यहाँ तीन डॉट पर आप क्लिक करें, सेटिंग ऑप्शन में जाएं, और यहाँ चैट ऑप्शन पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर वॉलपेपर ऑप्शन आएगा। आप इस वॉलपेपर ऑप्शन को टैप करें। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप वॉलपेपर कहाँ से लेना चाहते हैं, अपनी गैलरी से लेना चाहते हैं, यदि आप किसी का फोटो बैकग्राउंड में चाहते हैं तो वो भी यहाँ आप गैलरी से ले सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ सॉलिड कलर ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, और यहाँ किसी भी ऑप्शन को मैं जब चूज़ करता हूँ तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है वो बड़ा मैजिकल हो चुका है। आप यहाँ पर जैसे स्लाइड करेंगे अलग अलग से ऑप्शंस आएंगे, जो भी आपको कलर पसंद है आप उसे यहाँ आसानी से सेट कर सकते हैं। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको और भी रोचक वीडियो के अपडेट्स समय समय पर मैसेज के रूप में अपने मोबाइल पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।